सुनहरे पर्दे की एक और अदाकारा ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अलीबाबा से मशहूर हुई तनिषा शर्मा ने सीरियल के सेट पर ही खुदकुशी कर ली, हालांकि सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। हे ऊपर वाले, इस इंसान से तो मदद लेने का भी दिल नहीं कर रहा है, अब क्या करें हम? तनिषा का पोस्टमार्टम हुआ। सवालों के घेरे में तनिषा का को एक्टर शिजान खान है। दो महीने पहले ही दोनों का रिश्ता टूटा था। शेजान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 घंटे पहले वो खुश थीं। 3 घंटे पहले वो अपनी खुशी दुनिया से शेयर कर रही थी, अपने सुपरहिट सीरियल अलीबाबा की तैयारी कर रही थी। 3 घंटे में ऐसा क्या हुआ? 3 घंटे में तनिषा पर क्या बीती? 3 घंटे में तनिषा ने क्यों मौत को गले लगाया? बीस साल की उम्र में एक एक्ट्रेस को क्यों जान देनी पड़ी? तनिषा शर्मा का ये वीडियो काफी कुछ कहता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जिंदा दिल थी, वो जुनूनी थी। कम से कम ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि वो अपनी जिंदगी अपने हाथों खत्म करने जैसी लड़की नहीं थी। 5 साल के करियर में इसने बुलंदियां हासिल की थी। इसके आगे सिल्वर स्क्रीन का कामयाब सफर अभी बाकी था। जिस अलीबाबा के सेट पर वो हर रोज अपना टैलेंट दिखाती थी, इसी पर हफ्ते को आखिर क्या हुआ? अपनी स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो हफ्ते को दोपहर 1 बजे की है और लोकेशन है कामान स्थित मदर नेचर स्टूडियो। जहाँ शूटिंग चल रही थी, तनिषा के चेहरे पर ना शिकन है और ना ही तनाव। आखिरी वीडियो में तनिषा के बाल सवारे जा रहे हैं। जिस सेट पर तनिषा एक के बाद एक वो शॉट देती थी, जिससे अलीबाबा शो और निखरता था। इसी अलीबाबा के सेट पर करीब 2.5 घंटे बाद इसी जिंदा दिल एक्ट्रेस की जिंदगी खत्म हो जाती है। वक्त होता है हफ्ता 3:45। तनिषा की लाश अलीबाबा के लीड एक्टर शेजान मोहम्मद खान के मेकअप रूम में मिली। वही शेजान जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी। अपना शॉट देने के बाद जब शेजान अपने मेकअप रूम में लौटा तो अंदर से दरवाजा बंद था। इसने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया। मेकअप रूम का दरवाजा तोड़ा गया तो हर कोई हैरान रह गया। अंदर तनिषा की लाश लटक रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। शेजान के खिलाफ खुदकशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है।
सीरियल एक चल रहा है, उसमें वो सीरियल में काम करने वाले तनिषा शर्मा, इसने आज उनके सेटअप पे जो काम सीरियल का काम चल रहा था वहाँ पे सुसाइड कर लिया है। उसके माँ की यहाँ पे आने के बाद उसने माँ ने कंप्लेन दी है, सुसाइड आत्महत्या करने के लिए उसको प्रवृत्त किया करके एक गुना दाखिल हो रहा है। किसका नाम आ रहा है सर? सुजान, सुजान वो उसका उसके साथ काम करने वाला लड़का है। कुछ वक्त से तनिषा शेजान के साथ रिश्ते में थी, 2 महीने पहले ही दोनों का ब्रेकअप हुआ था। एसएपी जौहर ने इंडियन टीवी को वो सारे इल्जाम बताए जो तनिषा की मां ने शेजान पर लगाए थे। इसने सुसाइड क्यों की, कुछ वजह पता चल सका है? तनिषा शर्मा की मां ने पुलिस स्टेशन में मतलब अरनारा पुलिस स्टेशन सॉरी वालियर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिया है कि उनकी लड़की जो है उसकी और जो आरोपी है सीजान उनके उनके दोनों के एक प्रेम संबंध थे और उसमें ब्रेकअप पाने की वजह से वो उसने वो खुदकुशी कर दी है। जी सर, कोई सुसाइड नोट बरामद हुई है? नहीं अभी तक, मतलब सुसाइड नोट तो नहीं है, स्पॉट पे भी नहीं है और उसके उसके मतलब बॉडी पे भी नहीं मिली हुई है। सोचे तो सवाल कई हैं, क्या प्यार में नाकामी की वजह से तनिषा ने जान दी है? क्या शेजान तनिषा को परेशान कर रहा था? दोनों के बीच रिश्ता टूटने के लिए कौन जिम्मेदार था? तनिषा ने शेजान के कमरे में जाकर ही जान क्यों दी? कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने से क्या मिस्ट्री उलझ गई है? क्या आखिरी वक्त दोनों के बीच कहा सुनी हुई थी? क्या शेजान ने ऐसा कुछ कहा जिससे तनिषा जान देने पर मजबूर हो गई? पुलिस ने अलीबाबा सीरियल के सेट पर मौजूद तमाम लोगों से पूछताछ की, उनसे शेजान और तनिषा के रिश्ते के हवाले से तमाम सवाल किए गए हैं। पुलिस सुसाइड के अलावा दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है, हो सकता है इस केस में ऐसे कुछ सया सच भी सामने आए जो एक्टिंग की चमकती दमकती दुनिया के पीछे छुपे हों। सुहेल इब्राहिम, MT News, ब्यूरो रिपोर्ट।